करेगी। इनकी तपस्या पूरी हो चुकी है। अन्य असुरों के साथ मैंने भी इन पर आक्रमण किया था। यदि गरुड़ ने इन्हें बता दिया कि मैं यहीं पर हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे श्राप देकर भस्म कर दे। नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। राहुल तो चला गया, पर मुझे यही रुकना होगा ये जानने के लिए कि इनके आगे की योजना क्या है। कल्याण हो। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं दीदी, इतने वर्षों बाद आपसे मिल रही हूं, और वो भी उस दिन जिस दिन मेरे पुत्रों को स्वयं प्रभु विष्णु ने जीवन का वरदान दिया है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है आपकी तपस्या सफल हुई। हाँ विंता, पर तुम्हारे पुत्र गरुड़ की सहायता के बिना ये संभव ही नहीं होता। कहाँ है वो? माँ, प्रणाम दीदी। माँ जब मैंने आपको पहली बार देखा था आप गहन तपस्या में लीन थे। वैसे तो मेरी भेंट आपसे दूसरी बार हो रही है, परंतु मेरा मन पहली बार जैसा उत्साह अनुभव कर रहा है। और सच बताओ दीदी माँ, आपकी तपस्या की अद्भुत सात्विकता मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखी है, और आज आपको सामने पाकर मैं सचमुच धन्य हुआ। दासत्व का धागा, अवश्य कद्रु ने गरुड़ को भी दास बनाया होगा। मैं तुमसे ही भेंट करने के लिए आई हूं। तुम्हारे परोपकार के लिए तुम्हें धन्यवाद देने। आप पुत्र भी कह रही हैं और धन्यवाद भी दे रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया दीदी माँ, जो भी हुआ है बस प्रभु विष्णु की इच्छा से ही हुआ है। और सत्य तो यह है कि मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि आपके दर्शन करने के बाद ही दीदी माँ के माध्यम से मुझे अपनी माँ के दासत्व के बारे में सब कुछ पता चला। दीदी, आपकी तपस्या सफल हो गई है तो देवताओं को दानवों पर विजय पाने का कोई ना कोई हल तो अवश्य मिल गया होगा। प्रभु विष्णु ने मुझे आश्वासन दिया है कि एक उपाय है जिससे देवताओं का भला तो होगा ही, और साथ ही साथ संसार में श्री भी वापस लौट पाएंगे। और उस उपाय के बारे में चर्चा करने के लिए देवताओं को शीघ्र ही विष्णु लोक पहुंचने का उन्होंने आदेश दिया है, इसलिए मुझे शीघ्र ही अपने पुत्रों के पास उनका ये संदेश पहुंचाना होगा। विंता, तुम्हारा पुत्र शक्तिशाली तो है ही, और इसका अनुभव मैं पहले ही कर चुकी हूं, परंतु मैंने ये सुना है कि ये बहुत दूर की यात्रा बहुत कम समय में कर सकता है। इसलिए यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं अपने पुत्रों तक पहुंचने के लिए इसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ।
अपने पुत्र के पास जाने के लिए इन्हें गरुड़ की क्या आवश्यकता? आपकी सेवा करना गरुड़ और मेरे लिए सौभाग्य होगा दीदी। पर क्या? परंतु अपनी मां की अनुमति से भी अधिक मुझे महारानी की अनुमति की आवश्यकता है। मैं इनका दास जो हूं। तुम्हारा सेवक यदि कुछ समय के लिए मेरी सहायता करे तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं नहीं दीदी, मुझे भला कोई आपत्ति क्यों होगी? कद्रु, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। माँ, अधिक श्रम मत कीजिएगा और अधिक चिंता भी नहीं। समय पर भोजन कर लीजिएगा, जल पीना मत भूलिएगा और विश्राम कर लेना माँ, क्योंकि आपने अभी अभी कठिन व्रत रखा है और मेरे यहाँ से जाने के बाद आपका ध्यान रखने वाला कोई होगा भी नहीं। अब बस भी कर दे। मेरी बातों को परिहास में मत लीजिए। आप वचन दीजिए माँ कि आप अपना ध्यान रखेंगे, अन्यथा मेरा पूरा ध्यान केवल आप पर ही होगा और मैं अदिति माँ और देवताओं की सहायता नहीं कर पाऊंगा। दीजिए वचन। हाँ हाँ, वचन देती हूँ। कुछ अधिक बड़ा नहीं हो गया है तू? मुझे निर्देश दे रहा है, मैं तेरी माँ हूँ कि तू मेरी माँ है? हाँ, बातों में मत उलझाइए। आपने वचन दिया है, अब इसका पालन करना पड़ेगा आपको। करूंगी पालन, अवश्य करूंगी। ध्यान रखूंगी मैं अपना, और तू भी अपना ध्यान रखना। मैंने तुम्हारी जैसी कल्पना की थी तुम वैसे ही हो। मैं जानती हूं कि तुम अपनी मां के लिए अत्यंत चिंतित हो, पर मुझे ऐसा आभास है कि शीघ्र ही तुम्हारे कष्टों के दिन बीतने वाले हैं, और प्रभु विष्णु ने चाहा तो मेरे पुत्रों के उद्धार के साथ साथ तुम्हारी मनोकामना भी अवश्य पूरी होगी। आज्ञा दीजिए माँ। करुण को अदिति माँ के साथ जाने की आज्ञा क्यों दी माँ ने? हाँ माँ, अभी तो हमने इसे हमारे भाइयों के साथ हुई दुर्घटना के लिए दंडित भी नहीं किया था, तो फिर तुम्हें क्या लगता है? मुझे अच्छा लगता है कि वो मेरी बहुत से दूर जाए, किंतु क्या करती मैं? अदिति दीदी का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है कि मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाई उन्हें।
कर तो मैं भी कुछ नहीं पाई आदि दीदी के सामने, पर अब मैं शांत नहीं बैठ सकती। मुझे शीघ्र ही बलि को बताना होगा कि आदिति दीदी की तपस्या सफल हो गई है और देवता विष्णु से भेंट करने जा रहे हैं। दिन पर दिन मैं निराश होता जा रहा हूं। कब तक हम इस प्रकार छुप छुप के अपना जीवन जीते रहेंगे? स्वर्ग मिल गया है इन असुरों को, अब भी संतोष नहीं है। हमें ये हर क्षण ढूंढते रहते हैं, ढूंढ ढूंढ कर हमें मारना चाहते हैं। अब क्या करें? उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें संजीवनी विद्या जो दे दी है, अब उन्हें मृत्यु से भय नहीं लगता, और इन सब का कारण मैं हूं। यदि मैं अपने अहंकार में दुर्वासा और वालखिल्य जैसे महान ऋषियों का अपमान नहीं किया होता, तो ना तो मुझे श्राप मिलता और ना ही हमारी ये दुर्दशा होती, और ना ही हमें इस तरह भटकना पड़ता। और अब छिपने की व्यवस्था के कारण हम इस संसार से इस तरह कट चुके हैं कि अधिकतर समय तो पता ही नहीं चलता कि आखिर बाहर संसार में हो क्या रहा। ये ध्वनि कैसी है? इतनी तीव्र गति किसकी हो सकती है? मेरु पर्वत तो वो स्थान है जहां पर पापी अपना पांव तक नहीं रख सकता, फिर ये कौन मायावी राक्षस आ गया? बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है, और अब तो नारायण ही जाने कि ये किन किन शक्तियों को इकट्ठा कर चुका है और किस किस को अपना सहयोगी बना चुका है। अवश्य ही ये कोई शत्रु है। अगर हम इसे जीवित छोड़ देंगे तो ये हमारे इस गुप्त स्थान के बारे में असुरों को जाके बता देगा। इसका सामना करना होगा, अंत करना होगा इसका। पुत्र, प्रसन्न भव, विजयी भव। मित्र को शत्रु समझने की भूल मत करो पुत्र, प्रतिद्वंदी नहीं है ये, रक्षक है। मेरी रक्षा और मेरी तपस्या की रक्षा इसी ने की है, अन्यथा वज्रांग की पूरी सेना ने तो कोशिश की थी मेरी तपस्या भंग करने की। पूरी असुर सेना पर विजय पाने वाला ये महापराक्रमी योद्धा तुम्हारी विमाता
विंता का दूसरा पुत्र है गरुड़। हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि ऋषि कश्यप को अगली संतान के रूप में ऐसा पुत्र देना जो इंद्र से सहस्त्र गुणा अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, जो प्रत्येक अहंकारी के अहंकार का नाश करे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे देवताओं के राजा इंद्र मुझे देखकर प्रसन्न नहीं है? आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। गरुड़ भीतर चलो, मुझे तुम्हारे साथ एक आवश्यक चर्चा करनी है। जी अतिथि माँ। प्रभु, गरुड़ के कारण ही मां आदित्य की तपस्या पूरी हो पाई है, वे सुरक्षित रह पाई हैं। फिर भी देवराज इंद्र गरुड़ को शत्रुता की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ईर्ष्या की भावना ही विषैली होती है शेष। वो व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है और मन की अन्य भावनाओं को नष्ट कर देती है। पर ईर्ष्या के जाल में फंसने वाले इंद्र अकेले नहीं, तुम्हारी मां कद्रु भी ऐसी ही। ईशा के वश में आकर कृतज्ञता की भावना को वो पूरी तरह भूल जाती, पर वो व्यक्ति जो दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को सदैव स्मरण रखता है, उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही बदल जाता है। वह आसपास की बुराइयों को भूलकर केवल उसे देखता है जो उसके जीवन में शुभ है, अच्छा है। ऐसा गुण रखने वाला व्यक्ति सदैव प्रसन्न और संतुष्ट रहता है, जैसे कि आज देवी विंता। उपटन में महुआ मिला है क्या? मैं समझी नहीं दीदी। इसके पहले भी तेरा पुत्र कई बार तुझसे दूर जा चुका है, किंतु उसकी अनुपस्थिति में पहली बार तुझे इतना प्रसन्न देख रही हूं मैं। हाँ दीदी, इस बार की तो बात ही कुछ भिन्न है। इस बार मैं गरुड़ के लिए चिंतित नहीं हूं, प्रसन्न हूं, क्योंकि अदिति दीदी उसे प्रभु विष्णु का संदेश पहुंचाने के लिए अपने साथ लेकर गई हैं। और आप तो जानती हैं ना, कार्य कितना भी साधारण क्यों ना हो, यदि उसमें प्रभु विष्णु का नाम जुड़ा हो तो वो अपने आप ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और यदि अदिति दीदी जैसी सात्विक प्रकृति की स्वामिनी किसी को अपनी सेवा का अवसर दे तो इसके पीछे कोई अच्छी भावनाएं छुपी होगी। क्या पता वो मेरे पुत्र को आशीर्वाद देना चाहती हूँ। अभी भी आशीर्वादों की कमी है तेरे पुत्र को? आज तक जो मिले वो पर्याप्त नहीं है क्या? मेरा पोर्ट्स नहीं। जा यहाँ से। वन से लकड़ी लेकर आओ, महाभोग की तैयारी करो। मेरे पुत्र दुर्बल हो चुके हैं, उन्हें अपनी शक्ति फिर से प्राप्त करने के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता है। जा यहाँ से। समय आ गया है ये संसार मेरे पुत्रों को महत्व दे, उन्हें वो सम्मान दे जिसकी वो योग्य है। और अब इस कार्य को संभव बनाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी।